राजेश खन्ना ने अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीत लिया था। हर कोई उनका दीवाना बन गया था। खासकर लड़कियां तो काकक पर जान छिड़कती थीं। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थीं। उन्हें खून से खत लिखा करती थी और उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजा लिया करती थी। मेरा जन्म थिएटर से हुआ। हाँ, मैं कलाकार हूँ, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। राजेश खन्ना का स्टारडम एक तरफ था और अन्य सभी कलाकार एक तरफ। हालांकि राजेश खन्ना अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख पाए थे। जो लोकप्रियता और सफलता उन्हें मिली थी, लेकिन वो समय के साथ उनसे दूर होती चली गई थी। दिलों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका। किस तरह एक डायलॉग सही से न बोल पाने के कारण उन्हें बहुत डांट पड़ी थी। मैं डायलॉग भूल गया और उसके बाद मुझे वो बहुत डांट पड़ी और मैं बहुत रोया भी। मैंने कहा कि भाई राजेश खन्ना, तुम कहते हो कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, एक लाइन तो तुमसे बोली जाती नहीं। 18 जुलाई 2012 को महज 69 साल की उम्र में राजेश खन्ना का मुंबई में निधन हो गया था। उनके निधन से करोड़ों दिल टूट गए थे। मौत से पहले काका ने अपने तमाम चाहने वालों के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मैं आया थ्रू द यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट, उसे भरा और वहाँ लिखा था प्लीज सेंड 3 फोटोग्राफ्स। हमको बुलाया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर सब बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे। मैं सामने कुर्सी पर बैठा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोर्ट मार्शल हो रहा है, जैसे अभी ये बंदूक निकालेंगे, मुझे मार डालेंगे, गोली चला देंगे, क्योंकि सामने अकेली एक कुर्सी थी। बस मुझे भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे राइटर का एक डायलॉग मुझे याद आया, मुझको यारो माफ़ करना। उस प्ले का डायलॉग, क्योंकि मैंने वो प्ले किया हुआ था, जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे GPCP ने चांस दिया 40 साल पहले। फिल्मों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका। ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा था कि उनका रिकॉर्ड किया गया ऑडियो मैसेज उनके निधन के बाद बजाया जाए। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।